प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित कर कहा कि देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये देश के विकास के लिए बहुत ही घातक है, इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। पीएम ने कहा कि बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते से पहले पीएम ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आपको बता दें, एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर और जालौन के लोगों के लिए दिल्ली का सफ़र आसान हो जाएगा। वहीं 250 से ज़्यादा छोटे पुल, 15 से ज़्यादा फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा और 12 से ज़्यादा बड़े पुल और 4 रेल पुल बनाए गए हैं। 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे पर कोई पशु ना आ पाए, इसके लिए दोनों तरफ कंटीली तार का वायर लगाया गया है। इसके बावजूद अगर कोई पशु कभी सड़क पर आ भी जाए तो केटल कैचर व्हीकल की व्यवस्था की गई है, जो उसे पकड़ने के लिए काम आएगी। कल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम